इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चैप्टर 3 के बारे में, जिसका नाम है पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन का संरचना कैसे होता है, पॉपुलेशन का क्या क्या एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि सेक्स कंपोजिशन क्या है, सेक्स का संरचना कैसे होता है। फिर एज स्ट्रक्चर, कंस्टेंट पॉपुलेशन, एज सेक्स पिरामिड, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कैसे घट रहा है, और गाँव और शहर का कंपोजिशन क्या हो रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। पहले बात करते हैं हम लोग सेक्स रेशियो के बारे में। सेक्स रेशियो किसी किसी देश में होता है कि कितना फीमेल है 1000 मेल के ऊपर। ठीक है, 1000 मेल के ऊपर। भारत में भी यही सिचुएशन अपनाया जाता है। किसी किसी देश में होता है कि कितना मेल है 1000 फीमेल पर। क्लियर। जैसे मान लेते हैं कि एक एरिया है, वहाँ पे 1000 मेल रहते हैं और वहाँ पे मात्र 800 फीमेल है। ठीक है, तो ये कितना इसका रेशियो होगा, 800/1000, मतलब 800 फीमेल्स है पर 1000 मेल पे। इसी तरह का तरीके का फॉर्मूला भारत में अपनाया जाता है, लेकिन कुछ कुछ देश में इसको उल्टा कर दिया जाता है और बोला जाता है कि 1000 फीमेल में कितना मेल है। लेट से कि किसी देश, जैसे कि यूरोप का कोई देश होगा, उसमें 1000 फीमेल पे 990 मेल है, तो ये अपना सेक्स रेशियो होगा कि 990 मेल पर 1000 फीमेल। ठीक है, तो ये था अपना सेक्स रेशियो के बारे में। अब सेक्स रेशियो कुछ कुछ कारण से कम होता है। अभी भारत का अगर बात करें तो यहाँ पर 1000 मेल पे कितना फीमेल है, जैसे कि अगर मान लेते हैं 950 है, तो नॉर्मली क्या रहना चाहिए, 1000 फीमेल, 1000 मेल पे 1000 ही रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो कम है 50। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है कि देखो, लड़की लोगों को फीमेल इन्फेंटिसाइड, लड़की लोगों को जन्म होते साथ ही मार दिया जाता है, या फिर कभी कभी उसका बहुत बार हम लोग सुनते हैं कि लड़की लोगों का रेप होने के बाद मर्डर हो जाता है, तो ये सब भी सिचुएशन बनता है। अगर कुछ कुछ देश, जैसे देखो आप कतर में देखो आप, 311 मेल था पर 100 फीमेल पे, मतलब कितना ज़्यादा मेल है, इसको 100 होना चाहिए बट ये कितना ज़्यादा है, 211। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, तो इसका भी कुछ कुछ सोशल कारण हो सकता है कि वहाँ का सोसाइटी में मेल को ज़्यादा बढ़ावा मिलता है, फीमेल को कम बढ़ावा मिलता है, इस सब सिचुएशन भी हो सकता है ना। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा सोशल प्रॉब्लम, सोशल फैक्टर्स होता है, या फिर इकोनॉमिक फैक्टर। देखो वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं कतर में इंडियंस कितने जाते हैं, लेकिन वो क्या है, मेनली मेल ही जा रहे हैं वहाँ पे काम करने के लिए, फीमेल तो वहाँ बहुत कम ही जाती है ना। तो इसलिए देखो मेल का जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 311 मेल है मात्र 100 फीमेल पे। तो ये सब भी कुछ कुछ इकोनॉमिकल फैक्टर होता है, सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर्स होता है, जिसके कारण कि सेक्स जो रेशियो है वो चेंजेस हो सकता है। अब बात करते हैं हम लोग एज स्ट्रक्चर के बारे में। एज स्ट्रक्चर का मतलब कि किसी एज ग्रुप में, जैसे कि 0 से 5 साल का एज ग्रुप, या 5 से 11 साल का एज ग्रुप, या 11 से 18 साल का, या 18 से फिर 50-60 साल तक का जो एज ग्रुप है, उसमें लोग कितने लोग हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो वर्किंग एज है उसको बोलते हैं हम लोग 15 से लेकर के 59 साल तक का जो लोग रहते हैं उसको हम लोग वर्किंग एज ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा लोग हैं, या फिर बूढ़े ज़्यादा लोग हैं, मतलब 59+ जो रिटायरमेंट वाले होते हैं वो वाला है। अगर ज़्यादा लोग 60+ वाले हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एजिंग पॉपुलेशन, और अगर 15 से 59 के बीच वाले लोग ज़्यादा हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग यूथ पॉपुलेशन। भारत का जो पॉपुलेशन है वो यंग पॉपुलेशन है। ठीक है, एज सेक्स पिरामिड के बारे में देखें, ये देखो नाइजीरिया का एज सेक्स पिरामिड है। यहाँ पर आप देखो कि जो बच्चे हैं 0 से 4 साल की उम्र का, 5 से 9 साल का, आप यहाँ तक आते आते यहाँ पर आ जाओ, ठीक है, यहाँ तक 60 ईयर्स तक का, तो ये जो है ये एरिया क्या है, यंग पूरा, ये जो पॉपुलेशन है वो यंग है, क्योंकि यहाँ का जो 15 से लेकर के इस रीजन तक का ये बहुत ज़्यादा है ना, इसका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इसका या फिर इसका। ठीक है, जो नॉन वर्किंग एज है, नॉन वर्किंग एज कौन सा हो गया, 15 से यहाँ से लेकर के ये वाला एज जो है वो नॉन वर्किंग एज हो गया, और ये वाला एज जो है नॉन वर्किंग एज हो गया। ठीक है, तो इसको यंग पॉपुलेशन कहा जा सकता है। अब दूसरी बात, अब मेल और फीमेल देखते हैं, तो देखो 60 से 64 तक में मेल ये वाला एरिया मेल है और फीमेल ये वाला एरिया है, तो मेल ज़्यादा है फीमेल कम है। बढ़ते बढ़ते देखो आप 85+ में मेल और फीमेल में फीमेल कम लग रही है और मेल ज़्यादा लग रहा है ना, तो
तो इस तरह से हम लोग पॉपुलेशन कंपोजिशन को देखते हैं। और ये जो पॉपुलेशन है वो एक्सपेंड करेगा क्योंकि बच्चा यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। देखो बच्चा जो है ये बहुत ज़्यादा है, ये बच्चा वाला जो एज है ये वाला बहुत ज़्यादा है। ये बड़ा होकर के क्या करेगा, ये बड़ा होकर के फिर अपना पॉपुलेशन को बढ़ाएगा, तो वो हो गया एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। कॉन्स्टेंट पॉपुलेशन का बात करें तो बच्चा देखो बहुत कम है, है ना, बच्चा बहुत कम है। और जो बूढ़े हैं, ये बूढ़े, ये वाला एरिया जो है बूढ़े का है, तो बूढ़े लोग भी बहुत ज़्यादा है, ये मरेंगे भी। और ये जो एज और जो बर्थ रेट है वो भी बहुत कम चल रहा है, तो इसलिए जो पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट है, इस एरिया में पॉपुलेशन है। अब ये लोग क्या करेगा, ये लोग बढ़ते जाएंगे और बूढ़े होते जाएंगे, और बच्चा तो बहुत कम ही हो रहा है ना। पॉपुलेशन जो रेट है, बर्थ रेट है, वो कमते जा रहा है, इसलिए ये वाला जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है ये एक तरह से कह सकते हैं हम लोग कॉन्स्टेंट पॉपुलेशन है ना। अब अगर डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का बात करें तो यहाँ देखो ये बर्थ रेट बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, और 59 से ऊपर देखो कितना ज़्यादा लोग है यहाँ पर। तो ये लोग क्या होगा, ये लोग तो मर जाएंगे डेथ, ठीक है, ये लोग तो डेथ कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो बर्थ है वो बहुत कम हो रहा है, बर्थ नेगेटिव में जा रहा है और ये पॉजिटिव में जा रहा है, ठीक है, इसलिए ये जो पॉपुलेशन है ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है। यहाँ पे अगर 100 बच्चे जन्म लेंगे तो 500 आदमी मर जाएंगे, तो ये वाला जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, क्लियर। एजिंग पॉपुलेशन का बात करें अगर, तो एजिंग पॉपुलेशन का मतलब कि अगर जैसे कि मान लेते हैं 50% लोग 59 प्लस हो गए, 59 ईयर्स के प्लस हो गए, 50% लोग मतलब वर्किंग एज में है और 10% लोग, सॉरी 40% लोग वर्किंग एज में और 10% लोग बच्चे हैं, तो इसको बोलेंगे हम लोग एजिंग पॉपुलेशन, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो बूढ़े होते जा रहे हैं और बच्चे लोग बहुत कमते जा रहे हैं, ठीक है। बर्थ रेट जो है वो कमते जा रहा है और जो बूढ़ा हो रहा है वो बढ़ते जा रहा है, इसलिए इसको बोल सकते हैं हम लोग एजिंग पॉपुलेशन। अब बात करते हैं हम लोग रूरल अर्बन कंपोजिशन के बारे में। तो अगर रूरल और अर्बन कंपोजिशन के बारे में बात करें तो वो लोग जो गांव में रहते हैं उसको बोलते हैं रूरल, और जो लोग शहर में रहते हैं उसको बोलते हैं अर्बन। तो रूरल में रहने वाले लोग, गांव में रहने वाले लोग, उनके पास जो है जॉब का शायद शॉर्टेज हो सकता है, अपॉर्चुनिटी का शॉर्टेज हो सकता है, वहाँ पे शायद जो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ है वो कम मिल सकता है, जो आपका हॉस्पिटल का फैसिलिटीज़ है वो कम मिल सकता है, कम्युनिकेशन का फैसिलिटीज़ कम मिल सकता है। लेकिन यही अगर अर्बन एरियाज़ में रहेंगे तो उसको हेल्थ फैक्टर अच्छा मिलेगा, एजुकेशन मिल सकता है, कम्युनिकेशन मिल सकता है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर मिल सकता है। तो आप देखो कि जो डेवलप्ड एरिया है वहाँ पर क्या होगा ना कि रूरल में कम लोग शायद रहेंगे और अर्बन में ज़्यादा लोग रहेंगे। और यही अगर डेवलपिंग देश या फिर अंडर डेवलप्ड नेशंस है वहाँ पे रूरल लोग ज़्यादा रहेंगे और अर्बन लोग कम रहेंगे। अब देखते हैं हम लोग जिम्बाब्वे, जो कि एक डेवलप्ड, आई थिंक अंडर डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग नेशन है, वहाँ पे देखो रूरल लोग कितने ज़्यादा है ना और अर्बन कम है, ठीक है। कनाडा जो कि एक डेवलप्ड नेशन है वहाँ पे अर्बन देखो काफ़ी ज़्यादा है, रूरल कम है। ब्राज़ील जो कि एक डेवलपिंग नेशन है वहाँ पे अर्बन लोग ज़्यादा है बट रूरल कम है। नेपाल जो कि एक अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग नेशन होगा उसका देखो रूरल पॉपुलेशन कितना ज़्यादा है और अर्बन कम है। फिनलैंड में अर्बन ज़्यादा है, रूरल, ये एक बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हाईली डेवलप्ड नेशन है। फिर न्यूजीलैंड भी हाईली डेवलप्ड है, वहाँ पर अर्बन देखो बहुत ज़्यादा है, रूरल कम है। तो ये सब भी एक फैक्टर होता है क्योंकि ऐसे ऐसे डेवलपमेंट हो रहा है, लोग अर्बन से रूरल गांव छोड़ करके शहर आ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं रूरल से अर्बन एरियाज़ में आ रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग लिटरेसी के बारे में। तो लिटरेसी इंडिया में, लिटरेसी का मतलब हो गया जो साक्षर है, मतलब वो अपना नाम लिख सकता है ना, तो उसको बोल सकते हैं हम लोग लिटरेसी। ये दिखाता है कि जो उसका उस एरिया का या उस कंट्री का या उस रीजन का या उस स्टेट का जो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जो उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड कैसा है, सोशल स्टेटस क्या, क्या फीमेल को पढ़ाने का पढ़ाया जा रहा है या नहीं पढ़ाया जा रहा है, क्या वहाँ पर स्कूल्स हैं, क्या वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर बच्चे लोग पढ़ पा रहे हैं, बच्चे लोग पढ़ पा रहे हैं अच्छे से, है ना। तो इस तरह से साक्षरता बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताया जाता है। अगर साक्षरता मतलब साक्षर है लोग वहाँ पर, इसका मतलब वहाँ पर लोग ध्यान दे रहे हैं कि हाँ पढ़ाई लिखाई इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। तो अब जो साक्षर है वो ये नहीं कि बस जन्म के जन्म से जैसे ही आया उसको पुलों के उसका नाम लिखे, वो नहीं। 7 ईयर्स ऑफ एज, जैसे ही कोई बच्चा 7 साल या उससे ज़्यादा का हो गया तो देखा जाता है कि वो क्या साक्षर है, क्या वो लिख पढ़ सकता है, क्या वो कुछ कुछ क्वेश्चन आंसर्स बना सकता है, क्या वो प्लस माइनस कर सकता है। अगर हाँ तो इसका मतलब वो सोसाइटी डेवलप है, अगर ना इसका मतलब कि वो सोसाइटी अंडर डेवलप्ड है, वहाँ पर डेवलपमेंट का कमी है, वहाँ पर डेवलपमेंट चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होगा कि लोग किस चीज़ में ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्या वो एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, क्या वो फॉरेस्ट्री में काम कर रहे हैं, क्या वो फॉरेस्ट में काम कर रहे हैं, क्या वो इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर में, या फिर वो सर्विस सेक्टर में है, ठीक है, कम्युनिकेशन में है, या कुछ और कर रहे हैं। अगर जैसे देखो आप इस यहाँ पे देखो, जैसे कि कैनेडा वगैरह है, कनाडा हो गया, फिनलैंड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, तो इन सब जगहों पर जो लोग काम करते हैं वो हाईली प्रोफेशनल होते हैं, वो नॉर्मली सर्विसेज में काम करेंगे, या फिर अगर वो एग्रीकल्चर भी करेंगे तो हाई इनकम एग्रीकल्चर करेंगे, उन लोग का एग्रीकल्चर से बहुत सारा पैसा आएगा। लेकिन जो जिम्बाब्वे है, यहाँ पर जो एग्रीकल्चर होता है, जो यहाँ पर खेती बाड़ी होता है, उससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल पाता होगा, या फिर जो वो लोग काम करते हैं जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं वो ज़्यादातर लेबर्स होंगे, ठीक है। तो ये सब सिचुएशन बनता है, ये है डेवलपमेंट का एक खेल कि डेवलप्ड जो नेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाते हैं, उनके लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होता है, जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड देश के लोग हैं उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो थोड़ा कम अच्छा होता है, वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता जितना कि किसी एक डेवलप्ड नेशन का होता होगा। ठीक है, अब आप लोगों का होमवर्क है कुछ, तो होमवर्क एक्चुअल में ये वीडियो भी आप शायद होम में ही देख रहे होंगे, आप लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि सेक्स रेशियो कैसे मेज़र किया जाता है, ठीक है, और ये बताओ कि जो सेक्स रेशियो है वो किन किन बातों पे निर्भर कर सकता है, किन किन बातों पे वो डिपेंड कर सकता है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, कमेंट सेक्शन में आकर के आप बताओ और इस दोनों सवाल का जवाब दो। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना है बताना है तो कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।